أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तीन ऐसे वाक़यात जो कि बहुत ही प्यारे हैं। भाई साहब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि जिन्नों के तमाम जिन्नों के सरदार हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाकर आल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरतुल अंबिया आयत 87 में है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उसमें चर चुक गई थीं और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हुआ ये कि दो आदमी हमसाए थे, उनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, इसमें उसने फसल बो रखी थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थीं। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में आकर चरने लगीं, फसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हाल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहवील में ले ले। दोनों फरीक बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दें और जमीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला जमीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीजें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा। ये फैसला ज्यादा बेहतर है। इससे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम न हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 89 में फरमाते हैं, हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया, हाँ हर एक को हमने इल्म और हिकमत से नवाजा था। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, उसमें इसी किस्म का एक वाकया बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िये ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? उन्होंने इजाजत दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। ये सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दें और उसे दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका, फिर बच्चा उसे दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तीसरा वाकया कुरान में यूं है, सूरतुन नमल आयत 17 और 18 में है, और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात इंसान और परिंदों में से जमा किए गए, हर हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उन तमाम लश्करों को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। सूरह नमल आयत 19 में है, उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा। इस करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए
मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।